सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक, और आज हमारे साथ जो जुड़ा है हिंदुस्तान का सुपर डुपर स्टार कबड्डी खिलाड़ी, सुपर स्टार स्टॉपर जफ्फी सुक्का पंडाल। तो पहलवान जी स्वागत है अभी मन्नू मूवीज पे। सत श्री अकाल जी, मैं थैंक यू बीन मन्नू चैनल का जिन्होंने मैनू मेरे को इतने आए मेरे इंटरव्यू लैन, थैंक यू। पहलवान जी फिट हो? हाँ कृपा परमात्मा फिट हो। पहलवान जी एक्चुअल नाम क्या है, असली नाम क्या है आपका? मेरा असली नाम सुखजीत सिंह पंडाल जी। भाजी एक बार अपने गाँव का और प्रोपर बताना। मेरा गाँव है पंडाल दोना, जिला कपूरथला तो डिस्ट पंजाब। भाजी हाइट किन्नी है? हाइट मेरी 5 फुट 11 इंच। जब टॉप के स्टॉपर हुए, जब अपनी पूरी चढ़ाई हुई तो कितना वेट रहा? मेरा 97। भाजी उस्ताद कौन है साढ़े? उस्ताद मेरा देबा पंडाल। भाजी कबड्डी आपके मन में कैसे आ गई कि भाई मैं कबड्डी खेलूँ? क्योंकि मेरी फैमिली सारी कबड्डी खेलते थे, ब्लड ही कबड्डी सी। मंगा मिठापुरिया, देबा पंडाल, पोला वडाला फाटक, तो दाला पंडाल, मेरे सारी फैमिली च कबड्डी सी। किन्ने किन्ने दिन हो गए कबड्डी खेलते? मैनू हो गया 15-16 साल हो गया। दोनों का इकट्ठा 15-16 साल हो गया। भाजी जैसे किन को देख के, खास कोई आपका कोई खास प्लेयर जो पुराना प्लेयर है जिसको देख के तुसी कबड्डी में घुसे? मैं अपने ब्रदर वाल देख के कबड्डी वाल आया, क्योंकि मेरी सारी फैमिली कबड्डी खेलती सी। तुम दस रहा जब मंगा मिठापुरिया सारे वधिया सुपरस्टार प्लेयर साड़ी फैमिली से, बस उन्हें देख के मैं कबड्डी वाल आ गया। ओल्ड जो प्लेयर थे, पुराने जो प्लेयर थे, उनमें आपका कोई बेस्ट प्लेयर था जब आपने स्टार्ट किया? मेरा बेस्ट प्लेयर संदीप लल्ली वाला सीगा, ते जाफी बीरा सिद्ध वाला। भाजी आज आज अभी जो नए मुंडे जो कबड्डी खेलते हैं उनमें से? अज के टाइम च अपना जग्गा चिट्टी वाला मुंडा वधिया, फरियाद वधिया वा, रेडर बाना धालीवाल वधिया वा, ताजा वधिया। भाजी स्टॉपर ही क्यों बने, जाफी क्यों बने? क्योंकि मेरे ब्रदर भी स्टॉपर सीगा, बस उहदे वाल देख के मैं भी स्टॉप लैण ते आ गया। भाजी किस तरह की स्टॉप करना आप पसंद करते हो, कैसा जफ्फा लगाना आपका पहली पसंद है? मैं ऐसे किसी रेडर को पकड़ूंगा? मैं इंजरी तो पहला मैं रेडर मूहरे होकर लक फड़ता सी रेडर का, तो मेरे एक वक्खो वक्रे दाव आ, जिदा 10-12 लगाइया सी मेरिया, कभी मैं थल्यों फड़ लेंदा, कभी बगल पा लेंदा, कभी भजा के लक फड़ लेंदा, वक्खो वक्रे मेरा हर स्टाइल सीगा। भाजी इंजरी क्या हुई? इंजरी मेरे गोडे का लिगामेंट टूट गया था इंग्लैंड में 2013 में, उसको 2 साल लग गया मेरे रिकवरी होने को, उसके बाद 15 में खेडा, बाद में कनेडा। भाजी अब फिलहाल अब खेल रहा हूँ मैं। कौन से क्लब देना इस टाइम? क्लब हैगा माडा NRA कबड्डी क्लब नकोदर पंडाल दोना, तो एक टीम असी होर बनाई है दुआबा यूनाइटेड की। पलवान जी फर्स्ट टाइम पहली बार आउट ऑफ इंडिया खेलने कब गए थे? मैं 2006 गया सी। पलवान जी किसकी अप्रोच से या अपने दम पे? नहीं मैं अपने दम पर गया था। पलवान जी विदेश की जो कबड्डी है, आउट ऑफ इंडिया जो खेलना होता है, विदेशों में जो गेम होता है और अपने इंडिया बीच जो खेल होता है, उसमें क्या डिफरेंट आपको लगता है? कोई खास डिफरेंट ये आ कि उत्थे जिहड़े आपां जांदे कनेडा वो सारी क्रीम ही जाती है, सर जिन्ने प्लेयर सारे बेस्ट ही होंगे, तो एक उत्थे काली ग्राउंडां होंदियां वा, तो बाकी इत्थे मिट्टी वाली ग्राउंड आ, इत्थे सारे मिक्स प्लेयर हो जाते हैं, उत्थे जिहड़े सारे प्लेयर कनेडा विच आ वो सिलेक्टेड प्लेयर होंगे। अभी जो भरा आपका कोई बेस्ट रेडर है अभी आज? अब बेस्ट रेडर तो जे कहिए पंजाब के 10-15 बेस्ट रेडर है, उसमें अपना हम ना तो लेने की मुझे लोड़ ही नहीं, क्योंकि सभी लोग देखते हैं इस टाइम 10 रेडर जो है इस टाइम बेस्ट है। आप जैसे भाई किसी स्टार को स्टॉप करते हो, किसी स्टार रेडर को पकड़ते हो, तो जो आपका नखरा होता है, जो वखरा होता है, वो करते हो? कभी कभी करता हूँ, पर मेरा ज़्यादा सैंपल मेरा मुझे पसंद है। जैसे हरियाणा के नाल गेम करे आपने कभी, आके हरियाणा में खेले? बहुत बार। हरियाणा और जो पंजाब का जो हरियाणा वर्सेज पंजाब जो मैच होते हैं, तो उनको खेलने में कितना मज़ा आता है? अच्छा मज़ा आता है, क्योंकि जहाँ की पब्लिक ही बहुत प्यार करती है हमें, क्योंकि सभी लोग हमारे भाई है जे भी, तो हमारे कुछ प्लेयर जैसे विनय खत्री साड़ी टीम में खेलता है, सभी साथ हमारा अच्छा प्यार है। हरियाणा के नाल कोई बेस्ट प्लेयर है आपका, बेस्ट रेडर बेस्ट स्टॉपर? जैसे विनय खत्री बढ़िया खेल रहा है, यहाँ पर रिंकू खरेटी बढ़िया खेल रहा है, शीलू बढ़िया खेलता मुंडा, नया मुंडा शीलू बढ़िया है मुंडा जाफी। जैसे पंजाब में जो कबड्डी होती है, आप लोगों को आपके बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्सर होते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे अभी मन्नू मूवीज़ के माध्यम से? बस चक्कर है कि जो स्पॉन्सर प्रमोटर आ उन्हें करके कबड्डी बची हुई है, जो प्लेयर चक रहे तो अपनी कबड्डी बची आ, क्योंकि प्लेयर हर एक
कोई घर तो इन्ना अमीर नहीं हुंदा कबड्डी का खास करके, क्योंकि वह फिर जे कबड्डी अपन सपोर्ट बाहरला प्रमोटर कोई भी करेगा तो वह अपने एक घर चलता कबड्डी तो एक ही गेम कोई एड्डा खर्चे वाली गेम नहीं गई, सिर्फ अपनी मेहनत या प्रैक्टिस खरा गया। तो हर एक प्लेयर मैं प्रमोटर भी यह वा कि जेडे प्लेयर आ उन्होंने ही बाहर का मौका दिता जाए, उन्होंने सुनवाई हो, क्योंकि कई बार सिफारिश प्लेयर भी चल जाता, फिर वधिया प्लेयर का नंबर कटे जाता। उत्तर फर्स्ट टाइम बेस्ट कहाँ आए थे आप? फर्स्ट टाइम बेस्ट मैं तो मालूम नहीं, कभी बहुत बार निकल चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ आपने क्या इनाम में जीती याद है? मैं दो बार वर्ल्ड कप का बेस्ट हूँ, कनेडा टोरंटो वर्ल्ड कप का, जहाँ गड्डी जीती है नैनू 30-40-20-25 मोटरसाइकिल जीते हैं, तो कई बार बेस्ट हुआ चुका हूँ, ईरान का एशिया कप का बेस्ट हूँ। जैसे जो आपकी पंजाब की जो कबड्डी है, आपने लगभग बहुत साल हो गए कबड्डी खेलते हो, तो कोई खास मित्र कोई भरा बनाया कबड्डी जगत न? क्योंकि कबड्डी संस्कृति में सारे भराई होंगे आ, जो आप किसी ना मिलते हैं ग्राउंड में अपने, चलो अपना कॉम्पीटिशन एक दूजे ना, जो तो कबड्डी प्लेयर सारे आपस मिलते सारे भराई होंगे। कई बार मैंने पंजाब में मैच देखे हैं तो कबड्डी गेम के दौरान ग्राउंड में आप लोगों के एकदम हाइपर हो जाते हो, एक दूसरे के ऊपर फुल मतलब गुस्सा हो जाता है, तो बाहर ग्राउंड से बाहर निकल के आप लोगों का कैसा बिहेवियर, एक दूसरे के साथ कैसे बातें होती हैं, किस तरह? क्योंकि ग्राउंड के आप किसी ग्राउंड का अपना दोस्त भी अपना भरा भी है, जो आप ग्राउंड से है ना, ग्राउंड अपन अपना अपना बेस्ट देना चाहिए वा, क्योंकि वो तो बाकी जारी दोस्ती बाद चे, जो आप ग्राउंड खेड़ दे अपना बेस्ट देना चाहिए, उस तो बाद जो साड़ी कोई ग्राउंड होंगी भी आ तो अं ग्राउंड छड़ दें बहर, साडा अपना प्यार वधिया वा। जैसे पंजाब में है, हमारे पंजाब में मैंने देखा है या तो कबड्डी प्लेयर होते हैं या फिर बहुत सारे सिंगर होते हैं, घर घर में सिंगर है, तो आपके मन में नहीं आया कि मैं भी कोई एल्बम निकाल लूँ, मैं भी गाना कुछ धमाकेदार? नहीं, क्योंकि हमारी फैमिली में इसमें नहीं है, रुचि नहीं है हमारी फैमिली की, इसलिए हमारी फैमिली शुरू से स्पोर्ट्स से जुड़ी थी, तो बस मैं भी स्पोर्ट्स में आ गया। आपने अब अपना भी कोई चेला पकाया, कोई नया खिलाड़ी तैयार कराया? मैं खुद ही हले प्लेयर हूँ, चेला बना नहीं सकता, वैसे भी ये बात है, मैं काफ़ी मेरे पिंड के भी गाँव के भी प्लेयर हैं बढ़िया खेल रहे हैं, और मेरे साथ जो मेरी क्लब में खेल रहे हैं, तकरीबन जहाँ जहाँ बाहर जाने का मौका मिला, मैं अपने दोस्त जो मेरे फ्रेंड है मैं उनको बाहर लेकर भी गया, कनेडा अमेरिका के बीजे विल वाइन के। अपने पिंड की कैसी टीम है, खुद अपने पिंड की? मेरे पिंड की बहुत बेस्ट टीम है, पहले तो बेस्ट जिदा राणा भंडाल होया, देबा भंडाल होया, जस्सा भंडाल होया, हूँ मुंडा राजा भंडाल है, टिड्डा भंडाल, वधिया खेल रहे मुंडे हूँ भी, वधिया वा। किसान मोर्चा अभी आपने जो लीग में आए बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर पर किसान मोर्चा लीग आपने खेली, तो बरा इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि किसान मोर्चा जदों का इतने लगा वा, साड़ी कबड्डी फैडरेशन ML की शुरू तो ही किसान मोर्चे के नाल, क्योंकि साडा इतने लंगर भी चल रहा उदों का ही, तो क्योंकि जो किसान है तो अपनी कबड्डी भी अपनी किता ही है, क्योंकि किसान का जे रहे ना तो कबड्डी भी नहीं रहनी, क्योंकि किसानों करके कबड्डी हो रही है, अपने पिंडा की कबड्डी है वो, तो पिंडा मिले तो ही होंगे कि किसान मेला करवाते हैं, तो इस करके असं शुरू तो ही किसानों के नाल जुड़े, किसानों के पोते हैं तो किसानों ही रहेंगे। जैसे कबड्डी में बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कुछ एक दो बुराइयाँ जोड़ दी जाती हैं, भाई कबड्डी प्लेयर डोप लेते हैं, कबड्डी प्लेयर कुछ मतलब जुगाड़ करते हैं, तो उस पर क्या बोलोगे? क्योंकि ये एक ना जे आप कुछ वधिया चीज़ होंगी आपूँ जे किसी चीज़ का लाभ हानियां भी है वा, क्योंकि सारे एक जे प्लेयर नहीं होंगे, जे अजक कई लोग ना कोई आप पेन कलर इंजैक्शन भी लाने उन्होंने भी ड्रग का नाम देता वा, ठीक है ना, क्योंकि प्लेयर अक्सर प्लेयर की इंजरी भी आती है, प्रॉब्लम भी पीती है, उन्होंने कुछ तो पेन कलर खाना ही पैंता वा, जे कोई प्लेयर इंजैक्शन लाता बॉबर इंजैक्शन लाता कोई भी लाता वा, तो कई लोग तो उन्होंने भी मैसगाइड कर देंगे ड्रग करता वा, ड्रग ये चीज़ होंगी, बाकी कुछ प्लेयर जो करते भी होने, असं जो मेजर लीग तो उद्यम किया वा, हर एक प्लेयर का टैसट करते हैं, मौके भी टैसट करते हैं, वो सूँ वधिया रिस्पोंस मिले फेडरेशन। ऐसा कौन सा मैच आपको स्टार्टिंग में जब आप गेम करने लगे जब अच्छे हो गए तो आपको लगा कि आज मैंने अपना टॉप द प्रदर्शन कराया है, आज मैं आपको लगा कि आज मैं दूसरे बड़े खिलाड़ियों के साथ खड़ा उनके लेवल का हो गया? मैं 2003 की बात है, मैं जो लंडे के कबड्डी कप खेलने गया था, वहाँ हमारा गुरलाल कनौर के साथ मैच हुआ था और जमीर जलाल के साथ, मैं उनको पकड़ा था उस टाइम, अपनी टीम को विनर कराया था उस टाइम, मेरा वो पहला जिंदगी का बेस्ट मैच था। जैसे ब्रा आप विदेशों में खेले, किन किन देशों में, किन किन कंट्रीज में आपने अपना गेम किया? परमात्मा कह रहा योजी कंट्री कोई है नहीं जितने नहीं गया, अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ईरान, पाकिस्तान, कोई भी योजी कंट्री नहीं जितने कबड्डी होंगी है उत्थे, हर कंट्री गया। आपने लक्की करवाली को इंटरव्यू दिया? हाँ, लक्की करवाली को इंटरव्यू दिया।
हरियाणवी लैंग्वेज कभी कुछ थोड़ी कुछ समझ में आती है? हाँ हाँ, हमारे साथ जैसे विनय खत्री खेलता है उसका हमें मालूम चल जाता है जो बोलता है, क्योंकि बहुत मीठी लैंग्वेज है हरियाणा की, बढ़िया बोलते हैं। तो इन द फ्यूचर प्लान क्या है, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो? फ्यूचर में जॉब करता हूँ वैसे मंडी बोर्ड में, तो बाकी फ्यूचर में देखो क्या होता है, ज़िंदगी का मालूम थोड़ी है। फैमिली में कौन कौन है अपनी फैमिली में अपने? और फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं, वाइफ है, और मेरी बाकी फैमिली सारी बाहर सेटल है, ब्रदर मेरा बाहर है, मम्मी डैडी की मेरी डेथ हो गई थी। आप भी फिर जैसे जो छोटे प्लेयर हैं जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, वीक है, तो मदद करते रहते हो? हाँ, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, जो भी प्लेयर मेरे पास आता है करती हूँ, उसका भी की हेल्प करता हूँ मैं। आपकी किसने सबसे ज़्यादा सहयोग किया, जिसने आपको यहाँ तक इस लेवल तक लेके आने में आपकी मदद, ऐसा कोई प्लेयर या कोई नाम है कबड्डी जगत में? इसमें मेरी हेल्प सबसे मेरे ब्रदर ने की है, क्योंकि जब प्लेयर बन जाता है ना उस टाइम तो सभी आपके पास आ जाते हैं, जब प्लेयर नहीं होता उस टाइम आपके पास एक आधा आदमी मिलता है आकर, उस टाइम मेरा ब्रदर मेरी हेल्प की थी। कैसे स्वभाव के इंसान हो आप, जैसे जल्दी गुस्सा होना, मैच टाइम में जल्दी गुस्सा होना, या नॉर्मल रहना, और कैसे टाइप के इंसान? नहीं, मैं नॉर्मली रहता हूँ, मैं कभी गुस्से में नहीं आता। हैवी, जब हैवी मैच आता है, हैवी आगे भी भारी भरकम टॉप क्लास खिलाड़ी खड़े हैं, तो सर प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? कभी हुआ नहीं ऐसा प्रेशर पड़ा ही नहीं, कि जब प्रेशर पड़ जाएगा हम खेल नहीं सकते, क्योंकि मैं तो जो तगड़ी टीम से मैं उसके साथ भी ऐसा खेलता हूँ, जो माई टीम से उसके साथ भी ऐसा खेलता रहूँ, क्योंकि जे तो हम प्रेशर ले जाएंगे तो कभी हम तगड़ा खेल नहीं सकते। ऐसा कोई पंजाब द रेडर ऐसा है कोई नाम जिसने आपको परेशान किया, मतलब कैच लगे हों लेकिन झप्फे लगाने में मुश्किलें, बहुत ज़्यादा मुश्किलें रही हों? हाँ, एक था रेडर गोनी रनीवाल, वो मेरी टीम में खेलता भी आज, उस रेडर का क्योंकि बहुत दिमागी रेडर था, झप्फे चलो पकड़ते थे हम, पर अच्छा रेडर था वो, बढ़िया रेडर है। क्या क्या दोबारा बताइए। तो आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, एक बार तो प्लीज़ हमारे दर्शकों को और आपके जो फैन हैं पूरे इंडिया में, विदेशों में, ब्रा आप पाकिस्तान में भी खेले, आपने बताया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की और इंडिया की टीम को कंपेयर करते हैं तो आप किस टीम का को स्ट्रॉन्ग मानते हो? क्योंकि पाकिस्तान भी हमारी वहाँ की कबड्डी है, एशिया गेम उसकी कबड्डी है पाकिस्तान की, क्योंकि जे हमें कॉम्पिटिशन देने की दूसरी टीम है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वहाँ जब के हमारे वर्ल्ड कप हुआ है 2010 का, उसके बाद वो टीम बेस्ट ही बनी है, अच्छी बनी है टीम। चलो कॉम्पिटिशन तो हमारे जहाँ इंडिया में भी प्लेयर बढ़िया उठते हैं, क्योंकि वहाँ पहले कबड्डी की सुनवाई कम थी, पर वहाँ अब कबड्डी की सुनवाई काफ़ी होने लग पड़ी है, वो भी अच्छे प्लेयर है, दमदार है, तो बहुत बड़े प्लेयर है, पर उनके लोग पब्लिक प्यार भी बहुत करती है उनको प्लेयरों को। किसान आंदोलन में जो आज आप आए हो, तो क्या कोई संदेश किसान आंदोलन के लिए हमारे भाइयों को, दर्शकों को, सभी किसानों को देना चाहोगे? आंदोलन में यह है कि जैसे हम पंजाब हरियाणा भाई भाई इस टाइम इस बार्डर में बैठे हैं, असं तो अगे भी कहने मोदी सरकार जी इस टाइम सुती पई, इन्ना टाइम हो गया तो उन्होंने सरकार को सुननी चाहिए, जिदे करके अपना अंदाते करके तो सारा इंडिया चल रहा है, तुम उन्होंने रोडा उत्ते बिठाया वा, तो उन्होंने सुननी चाहिए आ, जो कानून काले कानून तुम लाए वापस करने चाहिए आ, तो क्योंकि जे अपना किसान जीता रहेगा तो ही सारा इंडिया आबाद रहेगा, जे किसान ही तो इंडिया भी नहीं जी। तो पहलवान जी, जो आज आपने स्पेशल खड़े होकर इतने बिजी शेड्यूल में आके अभिमन्यु मूवीज़ पे इंटरव्यू दिया, हमारे हर सवाल का बिल्कुल बेहतर तरीके से आपने जवाब दिया, तो थैंक यू वेरी मच। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल हरियाणवी लहजे में हमारे दर्शकों को एक राम राम ठोक दो। राम राम भैया। थैंक यू पहलवान जी। ओके भाई, थैंक यू पहलवान जी। सारे भैया ने राम राम भाई, जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनदीप, आर्यन एस्थेटिक एंड लेजर सेंटर हिसार से। अगर किसी भाई को किसी प्रकार की एयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एयर रिमूवल, एयर लेजर है, या फिर टैटू है, अनवांटेड एयर है, या फिर कोई नीव्स वगैरह है, किसी प्रकार का कोई निशान है, दाग धब्बा है, अगर वो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9991249714, 9991249714। हमारा जो लेजर सेंटर है वो हिसार में है, नियर बाई PNB ATM, कैमरी रोड हिसार।